तो अमेशा को आप सुन रहे थे और अब सीधे आपको लिए चलते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयंत के साथ। उनका लगातार जो संघर्ष रहा उससे आज किसान जागरूक है। जहां चुनाव होने जा रहा है ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांव में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए। और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए। एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा, तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई पहले की तरह किसानों को मुफ्त होगी। ये सरकार ऐसी है जो खाद नहीं दे पाई, अभी भी चीनी मिलों का भुगतान नहीं कर पाई, और जहाँ पर बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी ने केवल बिजली महंगी की है। जिसके पास भी बिजली का बिल आता होगा उसे जरूर बिल देख करके करंट लगता होगा। हम दोनों लोग, गठबंधन के लोग, एक उम्मीद के साथ जनता के बीच में आए हैं। उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को और ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी। अभी तो पुलिस को जो इंतजाम किया था कि 15 मिनट में पहुंच जाए, 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन जब गाड़ियां दुगनी हो जाएंगी तो मैं समझता हूं पुलिस का रिस्पांस सिस्टम जो बनाया था समाजवादियों ने वो कम समय में मदद के लिए पहुंच जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये भरोसा दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर शामली की जनता से और आसपास के हमारे जितने भी पहले चरण के चुनाव हैं मैं अपील करता हूं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से कि एक एक प्रत्याशी को जिताने का काम करें। लगातार हम लोग जा करके अपील कर रहे हैं कि जिताएं। यहाँ के इस गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रसन्न चौधरी जी, मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करता हूँ उनकी मदद करें। दूसरे प्रत्याशी अशरफ अली हैं, मैं उनके लिए भी सहयोग चाहता हूँ, समर्थन चाहता हूँ।
तीसरे नायद हसन की और समाजवादी पार्टी की इकरा हसन बैठी हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थन में भी और उनके सहयोग में भी आप सबसे अपील करता हूं कि ऐतिहासिक वोट दे करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन मैं नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया, जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। जैन चौधरी जी का जो सम्मान है, पहले चुनाव से हमारे साथ हैं और लगातार समाजवादी पार्टी उनको वही सम्मान देती रहेगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का, और किसान ये महसूस कर रहा है कि उसके मान सम्मान का चुनाव है। क्या लोग भूल जाएंगे वो जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर जिनकी जान चली गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है कुछ? इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कई नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप। लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और बिजली घरेलू माफ होगी, किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। मुझे याद है जिस समय संकट था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, बजट से पैसा दिया गया था, 2,000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया था। आने वाले समय में तय किया है कि चाहे फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, फार्मर्स के लिए कहीं से फंड अलग से रखा जाए जिससे कि किसानों को धरना ना देना पड़े, ये व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कौन कह रहा? अरे तुम लगा दो टीका। कौन कह रहा है? मैं तो कहूंगा केशव प्रसाद जी आए, हमें जीत का टीका लगा दें आके। है?